नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर च एम्स जनता नूं करनगे समर्पित। कई होर विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे ते उद्घाटन करनगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी दे दरबार च शांति ते खुशहाली लई प्रार्थना कीती। भारतीय हवाई फौज के मुखी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की महत्ता से जोर दिता जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका विचाले मौजूदा टी ट्वेंटी कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच आज इंदौर विच। विस्तार नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि एक दिन हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 3,650 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे ते नींह पत्थर रखेंगे। दौरे दौरान प्रधानमंत्री एम्स बिलासपुर जनता नूं समर्पित करेंगे, जिसका नींह पत्थर उन्होंने ही अक्तूबर 2017 च रखिया सी। 1,470 करोड़ रुपए तो वध दी लागत नाल बनाया गया एम्स 18 स्पैशलिटी 17 सुपर स्पैशलिटी विभागां 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटरां 750 बिस्तरियां वाला एक आधुनिक हस्पताल है। 247 एकड़ च फैलिया यह हस्पताल 24 घंटे एमरजेंसी ते डायलिसिस दीआं सहूलतां नाल लैस है। हस्पताल च हर साल MBBS कोर्स लई 100 विद्यार्थियां ते नर्सिंग कोर्सां लई 60 विद्यार्थियां नूं दाखला मिलेगा। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी 1,690 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले NH 105 ते पिंजौर तो नालागढ़ तक दे कौमी मार्ग नूं चौमार्गी करन लई तकरीबन 31 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट दा नींह पत्थर भी रखणगे। इह प्रोजेक्ट रोड अंबाला चंडीगढ़ पंचकूला ते शिमला तो बिलासपुर मंडी अते मनाली वल जाण वाली आवाजाई लई प्रमुख संपर्क लिंक बनेगा। प्रधानमंत्री नालागढ़ विखे करीब 350 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले मैडिकल डिवाइस पार्क दा नींह पत्थर रखणगे। उह बंडाला विखे सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दा उद्घाटन भी करणगे। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समागम च हिस्सा लैणगे। इस त्यौहार की विशेषता यह है कि इस घाटी के 300 तो वध देवी देवत्यां दा इकट्ठ हुंदा है। अजिहा पहली बार होवेगा जदों देश के प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह च हिस्सा लैणगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कटड़ा च माता वैष्णो देवी दे दरबार च मत्था टेकिया। जम्मू कश्मीर दे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ते होर प्रशासनिक अधिकारी भी उन्हां दे नाल मौजूद सन। गृह मंत्री ने पवित्र गुफा च पूजा अर्चना कीती ते मां भगवती दे चरणा च शांति ते खुशहाली लई प्रार्थना कीती। वैष्णो देवी मंदिर च मत्था टेकन तो बाद अमित शाह सरहदी जिले रजौरी लई रवाना होए, जिथे रजौरी बस अड्डे च एक जनतक रैली नूं संबोधन करनगे। बाद दोपहर जम्मू दे कन्वेंशन सेंटर विच बीजेपी आगुआं दे वक्खो वक्खरे ग्रुपां नाल मुलाकात करनगे। शाम नूं श्रीनगर लई रवाना होण तो पहलां गृह मंत्री कई विकास प्रोजेक्टां दी शुरुआत करनगे ते कुझ होर प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। बल्कि गृह मंत्री बारामूला खेड स्टेडियम च एक जनतक रैली नूं संबोधन भी करनगे। भारतीय हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नवी दिल्ली च पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि हवाई फौज नवी आधुनिक प्रणालियां नूं अपनाउण दी राह ते अगे वध रही है। उन्हां कहा कि हवाई फौज देश की सुरक्षा लई हमेशा चौकस रहिंदी है। हवाई फौज के मुखी ने कहा कि असी आत्म निर्भर भारत की महत्ता ते जोर दे रहे हां। बोथ एज ए कोएर्सिव डिटरेंट एज वेल एज ए वॉर विनिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर द इयर्स The Indian Air Force has proved its capability across the entire spectrum of conflict, ranging from peace, no war, no peace, and conflict situations. Traditionally, wars were fought on the land, sea, and in the air. Today, newer domains of cyber and space are increasingly affecting the conduct of operations, even in the traditional realms.
गुरदासपुर के सरहदी हल्के डेरा बाबा नानक अधीन BSF की चेक पोस्ट आबाद और शिकार के नज़दीक देर रात 10:22 तो लैके सवेरे 3 बजे तक 5 बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय खेतर अंदर देखा गया। BSF के जवानों वालों 37 रौंद फायर किए गए तो 12 रोशनी के बंब भी छड़े गए। यह ड्रोन भारतीय सरहद के 10 किलोमीटर अंदर तक आ गया। पिंड रत्ता पड्डा के लोगों ने इसकी आवाज़ भी सुनी। फायरिंग तो बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान वल चला गया। पूरे इलाके BSF और पुलिस के जवान वालों तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान लगातार ही अजिहां कोजियां हरकतां नूं अंजाम दे रहा है, पर BSF दे जवानां दी मुस्तैदी कारण यह कोशिश नाकाम की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने देश अगले 500 दिनों च 25,000 नवे टेलीकॉम टावर लगाने लई 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए ने। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवी दिल्ली च इंडिया मोबाइल कांग्रेस विच प्रसारण खेत्र च उभरते रुझानों बारे एक सैमीनार करवाया। इस मौके ते बोलदिआं ट्राई दे सकत्तर वी रघुनंदन ने कोरोना महामारी दौरान प्रसारण खेत्र की भूमिका नूं उजागर किया। उन्हां जोर दे के कहा कि तकनीकी विकास के नाल प्रसारण सेवावां की समर्था ते शमूलियत विच होर सुधार किया जा सकता है। इस मौके ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे सकत्तर अपूर्व चंद्रा ने प्रसारण च तकनीकी विकास के नाल वख-वख खेत्रां च नवे विकास के राह खोलण ते जोर दिता। आज नौवीं का त्यौहार है। देश के वख-वख हिस्सों की तरह पंजाब विच सर्द रुत दे नरातियां दे नौवें दिन मां दुर्गा दे मां सिद्धि दात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कंजक पूजन भी हुंदा है। वख-वख धार्मिक स्थानां ते इस मौके विशेष समागम करवाए जा रहे ने। इस तों इलावा लोगों ने अपने घरां विच अज भी कंजकां नूं बुला के पूजिया अते उन्हां नूं प्रसाद विच हलवा पूड़ी ते छोले अते होर तोहफे दित्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानौवीं मौके देशवासियों नूं ट्वीट राहीं शुभकामनावां दिंदिआं कहा कि मां सिद्धि दात्री की कृपा नाल सारिआं नूं फर्ज़ दी राह ते चलण दी प्रेरणा मिले अते नाल दी नाल जीवन च सफलता ते सुयश दी प्राप्ती होवे। नैशनल मीनस कम मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम लई अपलाई करन दी आखरी तरीक 15 अक्तूबर तक वधा दित्ती गई है। यह वजीफा आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां दे होनहार विद्यार्थियों नूं 8वीं जमात तों बाद स्कूल छड्डण तों रोकण दे मंतव नाल सैकेंडरी पद्धर तक दी पढ़ाई जारी रखण लई दित्ता जांदा है। केंद्रीय सिख्या मंत्रालय ने कहा कि इस योजना तहत सरकारी सहायता प्राप्त अते लोकल बॉडी स्कूलां दे 9वीं तों 12वीं जमात तक दे चुणे गए विद्यार्थियों नूं हर साल 12,000 रुपए दिते जांदे ने। यह रकम सीधे विद्यार्थियों के बैंक खात्यां च ट्रांसफर की जाती है। यह 100% रकम केंद्र वल्लों मुहैया करवाईआं जांदीआं ने। इस वजीफे दे लाभ सिर्फ उन्हां विद्यार्थियों नूं मिलणगे जिन्हां दे मापिआं दी आमदन 3.5 लाख रुपए सालाना तों घट है। वजीफा प्राप्त करन लई विद्यार्थियों के 8वीं जमात की प्रीख्या विचों घट्टो घट 55% नंबर होने लाजमी ने। सरकार ने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल सितंबर च जरूरी वस्तां खास करके खाण वाले तेल दीआं कीमतां च कमी आई है। खपतकार खुराक अते जनतक वंड मंत्रालय ने कहा कि सरकार दे प्रभावी उपावां ने जरूरी वस्तां दीआं कीमतां नूं हेठां लिआंदा है। उत्तर कोरिया ने आज एक मध्यम दूरी दे बैलिस्टिक मिजाइल दागी जड़ी जापान दे उपरों लंघदे हुए प्रशांत महासागर विच जा डिगी। जापानी अधिकारियों ने उत्तर पूर्वी खेतर दे वसनीकां नूं नेड़े दीआं इमारतां नूं खाली करन संबंधी अलर्ट जारी कर दिता है। 2017 तों बाद पहली बार अजिहा अलर्ट जारी किया गया। चेतावनी दा सायरन वजदिआं ही लोग सुरक्षित थावां ते चले गए। भारत अते दक्षण अफ्रीका विचाले 3 T20 क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा आखरी मैच अज इंदौर दे होलकर स्टेडियम च खेडिया जावेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होवेगा। भारतीय टीम प्रबंधन ने इस मैच विराट कोहली नूं आराम देण दा फैसला कीता है। भारत ने पहले दोवें मैच जित के लड़ी च जेतू बढ़त बना ली है। गुवाहाटी च खेडे गए मैच च भारत ने दक्षण अफ्रीका नूं 16 दौड़ां दे फर्क नाल हराया सी। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि हिमाचल प्रदेश दे बिलासपुर च एम्स जनता नूं करनगे समर्पित। कई होर विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे ते उद्घाटन करनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी दे दरबार च शांति अते खुशहाली लई प्रार्थना कीती। भारतीय हवाई फौज दे मुखी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत दी महत्ता ते जोर दिता जा रहा है।
भारत ते दक्षण अफ्रीका विचाले मौजूदा टी ट्वेंटी कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच अज इंदौर विच। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया, इजाजत दिओ, नमस्कार।